कैसे हुई थी अंधे धृतराष्ट्र की मृत्यु। धृतराष्ट्र को महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है, क्योंकि धृतराष्ट्र चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने पुत्र मोह में अपने ही संपूर्ण वंश का विनाश करवा दिया। दरअसल आंखों से ही नहीं बल्कि मन और बुद्धि से भी अंधे थे। वैसे तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए थे, लेकिन आज हम बताएंगे धृतराष्ट्र के 8 पापों के बारे में। दोस्तों, उनकी मृत्यु के बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाए, ताकि हम ऐसे ही नई नई रहस्यमय जानकारियाँ आप तक पहुँचा सके। तो चलिए जानते हैं धृतराष्ट्र की मृत्यु के बारे में। सबसे पहला पाप था गांधारी के साथ धोखा। पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से करवा दिया था। गांधारी को जब यह पता चला था कि उनके पति अंधे हैं, तो गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। गांधारी का विवाह करने से पहले ही ज्योतिषियों ने सलाह दी थी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, इसीलिए गांधारी का पहला विवाह एक बकरे से करवाया गया था और उसके बाद उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त कराने के लिए ज्योतिषियों ने यह उपाय दिया था और बाद में उसका विवाह धृतराष्ट्र से करा दिया गया। गांधारी के परिवार को जेल में डालना। गांधारी एक विधवा थी। यह बात जब धृतराष्ट्र को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी के साथ विवाह हुआ था। इसको लेकर धृतराष्ट्र के मन में दुख हुआ और इसका दोषी उन्होंने गांधारी के पिता सुभन को माना था। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता सुभन के साथ समेत सभी को कारागार में डाल दिया था। कारागार में उन्हें खाने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। एक ही व्यक्ति के भोजन में कैसे भला इतने लोगों का पेट भरता। धृतराष्ट्र ने पूरे परिवार को भूखा ही मारने की साजिश रची थी। राजा सुभन ने यह निर्णय लिया कि यह भोजन उनके सिर्फ छोटे पुत्र को ही दिया जाएगा, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके, और वह था शकुनी। और यह भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी का भाई शकुनी और उनसे उम्र में बड़ी एक उनकी सखी हस्तिनापुर आई थी और दोनों ही यही रह गए थे, दासी के साथ सहवास। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा जाता है। गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। गांधारी ने वेद व्यास से पुत्र प्राप्त करने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के चलते ही गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री प्राप्त हुई थी। सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद घड़ों से हुई थी। गांधारी की बेटी का नाम दुशाला था। गांधारी जब गर्भवती हुई थी तब धृतराष्ट्र ने दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युतुष्व नाम का एक कौरव पैदा हुआ था। इस तरह से कौरव 100 हो गए थे। पुत्र मोह में करवाया गया युद्ध। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र पांडवों के साथ अन्याय करते रहे, लेकिन राजा और सिंहासन के प्रति निष्ठा होने के कारण भीष्म उनके साथ बने रहे। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में सारे वंश और पूरे राज्य का सर्वनाश करा दिया। धृतराष्ट्र चाहते तो अपने पुत्र को और उनके अपराधों पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और दुर्योधन को गलती करने की अप्रत्यक्ष छूट दे रखी थी। पांडवों के साथ हुए अन्याय के चलते ही इतना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ। राज सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र अगर सही से न्याय करते तो यह युद्ध टल सकता था। विदुर ने धृतराष्ट्र को कई बार नीति और अनीति के बारे में समझाया भी था, लेकिन धृतराष्ट्र जानबूझकर विदुर की बातों को नज़रअंदाज कर देते थे। चीरहरण के समय धृतराष्ट्र का चुप रहना, यानी कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस वक्त धृतराष्ट्र अपने पुत्र को रोकने के बजाय खामोश थे और उस समय भीष्म भी चुप रहे, जिसकी वजह से श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ पांडवों की तरफ से युद्ध में सम्मिलित हुए थे। चीरहरण महाभारत की ऐसी घटना थी जिसके चलते कौरवों के प्रति पांडवों के मन में घृणा स्थायी हो गई थी। यह एक ऐसी घटना थी
जिसके प्रतिशोध की आग में सभी जल रहे थे, धर्म का साथ देना। वृद्ध और ज्ञानी होने के बावजूद भी धृतराष्ट्र के मुंह से कभी भी न्याय संगत बात नहीं निकली। पुत्र मोह में कभी भी उन्होंने गांधारी की न्याय संगत बात पर ध्यान नहीं दिया। गांधारी के अलावा संजय भी उन्हें न्याय संगत और धर्म की उचित बातें बताता था, लेकिन धृतराष्ट्र संजय की बातों को नहीं मानते थे। वह हमेशा शकुनी और दुर्योधन की बातों को ही सच मानते थे। यह जानते थे कि यह धर्म और अन्याय कर रहे हैं, फिर भी अपने पुत्र का पक्ष लेते थे। भीम को मारने की इच्छा। युद्ध समाप्त हो चुका था और पांडु पुत्र भीम ने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का वध कर दिया था। इसको लेकर धृतराष्ट्र के मन में क्रोध और बदले की भावना प्रबल हो उठी थी। तब मौका देखकर धृतराष्ट्र भीम को मार डालना चाहते थे। एक बार की बात है, जब पांचों पांडव युद्ध जीतने के बाद भगवान श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे थे, तब भीम के अलावा सभी ने उनको प्रणाम किया तथा उनके गले मिले। बाद में भीम की बारी आई, तब भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की मंशा जान चुके थे। जब भीम ने उन्हें प्रणाम करके धृतराष्ट्र से गले मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे, तब श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से रोक दिया और उनके स्थान पर एक मूर्ति को धृतराष्ट्र के आगे बढ़ा दिया। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे। धृतराष्ट्र ने उस मूर्ति को भीम समझकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और उस मूर्ति को तोड़ डाला। उनमें इतना क्रोध था कि वह यह भी नहीं समझ पाए कि यह लोहे की मूर्ति है या भीम। इसके बाद जब धृतराष्ट्र का क्रोध शांत हुआ, तब भीम को मृत समझकर रोने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि भीम तो अभी भी जीवित है, आपने भीम समझकर मूर्ति को तोड़ा है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से भीम की जान बचाई थी। पूर्व जन्म का पाप। कहते हैं कि धृतराष्ट्र के पूर्व जन्म के पाप के कारण ही धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। दरअसल धृतराष्ट्र अपने पूर्व जन्म में बहुत ही निर्दयी और क्रूर राजा थे। जब एक दिन अपने सैनिकों के साथ भ्रमण करने निकले, तब उनकी नज़र एक तालाब में अपने बच्चों के साथ आराम करते हुए एक हंस पर पड़ी। उन्होंने अपने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि उस हंस की आंखें निकाल ली जाएं। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और उस हंस की आंखों को निकाल लिया। फिर उस हंस को वहीं छोड़कर राजा अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ गए। पीड़ा के कारण उस हंस की मृत्यु हो गई। इस घटना को देखकर उसके बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरते समय हंस ने राजा को श्राप दिया था कि जैसी आपने मेरी दशा की है, वैसे ही आपकी भी दुर्दशा होगी। इसी श्राप के कारण धृतराष्ट्र अगले जन्म में अंधे पैदा हुए थे तथा पुत्र भी उसी तरह से मृत्यु को प्राप्त हुए थे। अब धृतराष्ट्र की मृत्यु के बारे में जान लेते हैं। महाभारत युद्ध के 15 साल बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, संजय व विदुर वन में चले गए। 3 साल बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा स्नान करने के लिए गंगा में गए और उनके जाते ही जंगल में आग लग गई और वह सभी धृतराष्ट्र के पास आ गए। संजय सभी को जंगल से चलने के लिए कहने लगे, लेकिन दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहां से नहीं जा पाए। गांधारी, कुंती, संजय व विदुर भी वहीं पर रह गए और फिर सभी आग में झुलसकर मर गए। बाद में नारद मुनि युधिष्ठिर को यह दुखद समाचार देते हैं। फिर युधिष्ठिर वहां जाते हैं और उनकी आत्म शांति के लिए धार्मिक कार्य करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हुई थी अंधे धृतराष्ट्र की मृत्यु।